सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है इफेक्टिव डेट यानी कि अपॉइंटेड डेट बताने के लिए सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट का, जिसमें बताया गया है TDS के प्रोविजन को और उसमें कहा गया है कि TDS का प्रोविजन कब से लगेगा, तब से लगेगा जब गवर्नमेंट GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन इशू करके बताएगी कि ये प्रोविजन कब से लगने वाला है। तो उसके लिए डेट अनाउंस हो गई है, वो भी नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 से। तो उसको यहाँ पे आज हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वर्ड बाय वर्ड मैं आपके साथ उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 जिसमें कि लिखा है टू बी पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। और दोस्तों मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 सेंट्रल टैक्स न्यू दिल्ली, और ये इशू हुआ है 13 सितंबर 2018 को। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और दोस्तों ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 क्या है। तो दोस्तों सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट में क्लियरली कहा गया है कि गवर्नमेंट GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग डेट अपॉइंट कर सकती है। तो उसी प्रोविजन में जैसा कि कहा गया है उसी प्रोविजन के तहत गवर्नमेंट सेक्शन 51 जिसमें कि TDS के प्रोविजन के बारे में कहा गया है उस पे अपनी पावर को यूज करते हुए अपॉइंटेड डेट बता रही है, यानी कि ये प्रोविजन जो है TDS का प्रोविजन ये कब से लग रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 इशू किया है। अब इसमें कहा जा रहा है एंड सेकेंड लाइन में एंड इन सुपरसेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन नंबर 33/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 सितंबर 2017 पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 वाइड नंबर GSR 1163 डेटेड द 15 सितंबर 2017। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 है ये एप्लीकेबल होगा, नोटिफिकेशन नंबर 33/2017 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके सुपर सेशन में ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होने वाला है। और 33/2017 जो है वो 15 सितंबर 2017 को दोस्तों आया था और उसमें कहा गया था कि TDS का प्रोविजन 30/6/2018 तक के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा और उसके बाद एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में इस नोटिफिकेशन GST काउंसिल की 26th मीटिंग में कहा गया कि TDS का प्रोविजन फिलहाल होल्ड पे है, उसको हम फर्दर नोटिफिकेशन इशू करके बताएंगे कि वो प्रोविजन कब से लगने वाला है, तो उसी के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्लियरली कह दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से 33/2017 की कोई वैल्यू नहीं है, 33/2017 को ये नोटिफिकेशन ओवरराइड करता है। तो अब हम लोग 6th लाइन में देख रहे हैं एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट्स थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर सच सुपरसेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय अपॉइंट्स द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2018 एज द डेट ऑन विच प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द सेड एक्ट शैल कम इनटू फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द सेड एक्ट एंड द पर्सन्स स्पेसिफाइड बिलो अंडर क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द सेड एक्ट नेमली। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सेक्शन 51 को अपॉइंट कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 से वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा, उसमें लिखे हुए प्रोविजंस 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल होंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये प्रोविजन किन पर्सन पे लगने वाला है, तो ये प्रोविजन जो सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए बी सी में बताए गए हैं उन पर्सन पे तो लगेगा ही, साथ में सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में लिखा है कि कुछ स्पेसिफाइड पर्सन होंगे, कुछ नोटिफाइड पर्सन होंगे जिन्हें गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उनके ऊपर भी ये TDS का प्रोविजन लगेगा। तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा उस सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के पर्सन को भी नोटिफाई किया गया। तो वो पर्सन कौन कौन से हैं, वो पर्सन हैं दोस्तों क्लॉज ए एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी जो कि सेटअप की गई है किसी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा,
या कोई अथॉरिटी या कोई बोर्ड या कोई बॉडी जो कि स्टेब्लिश किया गया है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो स्टेब्लिश किया गया है, लेकिन उस अथॉरिटी उस बोर्ड या उस बॉडी में गवर्नमेंट की 51% की इक्विटी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट की 51% की ओनरशिप होनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए उस अथॉरिटी उस बोर्ड या उस बॉडी के ऊपर, तो उसको एज अ डिडक्टर काम करना होगा, यानी कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। क्लॉज बी, सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, और ये एस्टेब्लिश की गई होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। अब क्लॉज सी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर भी ये प्रोविजन लगने वाला है टीडीएस का। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब कोई भी पीएसयू यानी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, उनके ऊपर भी ये टीडीएस का प्रोविजन लगेगा, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज को भी टीडीएस डिडक्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों क्लॉज ए बी सी में भी कुछ पर्सन को बताया गया है जो कि सेक्शन 51 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए बी सी है, और क्लॉज डी को यहाँ पे नोटिफाई किया गया। तो यही है दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 50/2018। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया नोटिफिकेशन नंबर 50/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जिसमें कि बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2018 से सेक्शन 51 यानी कि टीडीएस के प्रोविजन को इफेक्टिव किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में बात किया जिसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो बना के बात किया हुआ है, यानी कि ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं, सोसाइटीज क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, जीएसटी काउंसिल किसे कहते हैं, नोटिफाई मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर वॉच कर लें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक बटन दबा के जरूर बताएं, और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लेके आ रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यहां तक, यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह का किसी और यूजफुल वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।